पलंग नहीं पलंग पले मुसरी मतलब मच्छरदानी मच्छर बहुत होगा ना लगेज इज ओनली फुल विथ ऑरेंज नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड मम्मी सेंट्रल लेके आए बट ना था व्हाई आलू आलू क्यों ओ वो तो सब्जी पूरा अरुणाचल उठा के लाया से अगेन बहुत मजा होगा हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन दिस इज मियाना हियर गाइस लाइफ अपडेट बहुत ज्यादा दिन हो गया एक्चुअली पंजाब में मैं शादी के लिए गई थी उसके बाद आई गॉट सिक मैं बीमार हो गई थी 102 डिग्री फीवर हो गया था मेरा मतलब इतना ज्यादा बीमार हो गई थी पहली बार आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एग्जॉशन क्योंकि शादी के दिन इट वाज लाइक 4-5 डेज का शादी एंड आई हैड माय लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना लंबा शादी अटेंड करके इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मेमोरेबल था बट स्टिल मेरा हेल्थ वॉज रियली रियली बैड बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरा खुद का बार काउंसिल का एग्जाम था तो आई हैड चोजन दिस प्लेस पुणे में मेरा जो सेंटर था इट वॉज इन पुणे और मुझे वैसे भी पुणे आने भी मन था तो इसलिए मैंने पुणे का सेंटर चॉइस किया था एंड आई केम हेयर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई मैं ये एयरबीएनबी लाइक ऑलवेज मैं जो आती हूँ जब भी पुणे आई स्टे हेयर तो यहाँ पर बुक किया एंड आई स्टेड हेयर फॉर 5 नाइट्स एंड आज फाइनली मेरा बीमार थोड़ा ठीक हो गया इवन बार काउंसिल का एग्जाम भी ना मैंने बीमार होते होते दिया एंड तियापोंग ऑल्सो केम टू मीट मी उसका व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा आई वॉज सिक इवन दैट टाइम बट उसको मिलकर बहुत ज्यादा ठीक हो गया बीमार एंड या एग्जाम वॉज ऑल्सो गुड नॉट बैड आई होप आई क्लियर्ड एग्जाम और आज फाइनली मैं चेन्नई जा रही हूँ मोम भी आ रही है चेन्नई मोम आंटी लोग सब लोग आ रहे हैं वहां से तो वी आर गोना गो नबम एंड किम के घर पे ये आई एम गोना मीट माई सिस्टर एंड कोरियन जीजा जी सो स्टे ट्यून मैं ब्लॉग कर रही हूँ हर एक चीजें तो आज तो मैं पुणे में ही हूँ अभी मॉर्निंग के समय है आई एम गोना मीट माई फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्लॉग करूंगी एंड जाते जाते चेन्नई का फ्लाइट पकड़ते चेन्नई पहुंचते ये ब्लॉग रहेगा सो स्टे ट्यून बने रहिए ब्लॉग में दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग तो चलिए चलते हैं नाउ आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम हियर लेट्स गो तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने स्किन की अपडेट देना चाहती हूँ एज यू गाइस नो आई हैव बीन यूजिंग क्योर स्किन एंड मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने स्किन केयर रूटीन जो है आप लोग वैसे भी कमेंट करते हो स्किन केयर रूटीन बताने के लिए तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को अपडेट देने के लिए और अपडेट यह है कि इट्स वर्किंग सो गुड इन माई स्किन आप लोग देख सकते हो टेक्स्चर जो है क्लियरली पता चलता है बहुत ज्यादा अच्छा और यहाँ पर भी बहुत लास्ट टाइम यहाँ पर एक्नेस भी बहुत सारे थे तो इट हैज ऑल गॉन दे हैव ऑल्सो गिवन मी डाइट अकॉर्डिंग टू माई डाइट तो डाइट भी मैं रिलीजियसली फॉलो कर ली हूँ तो इसीलिए डाइट के साथ साथ ऑल एंड द कस्टमाइज स्किन केयर प्रोडक्ट जो मेरे लिए बनाया है दोनों को रिलीजियसली फॉलो करके मेरा स्किन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया तो सम ऑफ यू जो भी नया सब्सक्राइबर्स हैं आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज अबाउट क्योर स्किन अगर आप लोग सोच रहे हैं क्योर स्किन इज तो क्योर स्किन जो है एक ऐप है मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था और जैसे ही मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मैंने भी फटाफट डाउनलोड कर लिया था वो डाउनलोड कर लीजिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे रहेगा और डाउनलोड करने के बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स जो है मेल फीमेल जो भी है आप लगा सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना पर्सनल डिटेल्स सारे डालने के बाद आपको एक लाइव चैट करने मिलता है डर्मेटोलॉजिस्ट से तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बच जाते हैं आप लाइव चैट कर सकते हो आपको अपॉइंटमेंट लेने नहीं पड़ते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ऑनलाइन बातें कर सकते हो और आपका स्किन का जो टेस्ट होगा वो फोटो क्लिक होता है ऐप डाउनलोड करने के बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद फिर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं आपका जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसमें कॉन्सेंट्रेट करके वो कस्टमाइज करते हैं आपके स्किन के हिसाब से आपके स्किन के टेक्सचर के हिसाब से आपको एक पैकेज बना के देगा डे क्रीम नाइट क्रीम एंड जो भी ऑइंटमेंट है वो सब देगा और हमेशा से मुझे ऐसे भी लगता था कि यू नो, जितना हाई एंड ब्रांड प्रोडक्ट्स होगा उतना ही ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा होगा ऐसा भी लगता था तो मैं इतने सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज़ करती बट इट वॉजन वर्किंग इट लाइक मेरा एक्ने थोड़ा ठीक हो जाता है फिर खराब होता है फिर निकलता है ऐसा होते रहता था ऑन एंड ऑफ होता था बट देन मैं जब से क्योर स्किन यूज़ करी हूँ ना इट्स रियली वर्किंग वंडर्स इन माई स्किन तो इसलिए मैं चाहती थी आप लोगों को स्किन के अपडेट देने के लिए आप लोग भी जरूर ट्राई आउट करना घर बैठे बैठे जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो अपने स्किन के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो तो व्हाई टू वेस्ट मनी एंड टाइम तो इसीलिए जरूर आप लोग ट्राई आउट करना क्योर स्किन ऐप जो है सबसे अच्छा बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा 1500 ही मैक्सिमम कॉस्ट पड़ता है क्योंकि मेरा पहले वाला पैकेज जो है अभी तक चल रहा है मेरा खत्म नहीं हुआ है लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स और सोच के देखिए 1500 ओनली रुपीज और 3 मंथ्स तक आप यूज कर सकते हो अगर आपको डाइट भी चाहिए तो डाइट
भी कस्टमाइज कर देंगे और आपको अच्छे से यूज करना है. एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अगर आप लोग मेरा लिंक को प्रेस करके अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करेंगे TABA100, तो आप लोगों को 100 रुपीज भी डिस्काउंट मिल जाएगा. फिर 1400 में आप लोगों को मिल जाएगा, विच इज सो नाइस राइट गाइज. तो और अगर आप लोग फर्स्ट 50 कस्टमर्स है मेरा कूपन यूज करके, तो आप लोगों को मिलेगा. सो हरी आप, क्योंकि फर्स्ट 50 को ही मिलेगा 100 रुपीज ऑफ. तो ये है क्योर स्किन का बॉक्स. मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बॉक्स पे आता है इतना कस्टमाइज करके, और मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको, ऐसे ही यूज़ करती हूँ. तो लेट मी शो यू क्या क्या है. ये देखिए, ये है क्योर स्किन बॉक्स. एंड सबसे पहले दिस इज क्योर स्किन क्लेंजिंग जेल, इससे फेस वॉश करना है. एंड देन ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइज करना है अपना स्किन को. एंड देन ऑब्वियसली दिन हो या रात हो, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन लगाने के लिए. तो सनस्क्रीन SPF 50. एंड देन फॉर माई एक्नी, ये तो मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया, बिकॉज अभी आप लोग देख सकते हो पूरा ठीक हो गया मेरा स्किन का जो एक्नी प्रॉब्लम है. बट जैसे ही निकलता है इसको लगाना है एंड ठीक हो जाता है. सो दिस आर द थिंग्स. तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसा यूज़ करते हैं. तो आइए गाइस, मैं अपनी स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ. सबसे पहले तो मैं हैंड वॉश करती हूँ और उसके बाद फेस वॉश करती हूँ अपनी क्योर स्किन क्लेंजिंग जेल से. और फेस वॉश करने के बाद अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है. एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइज करती हूँ क्योर स्किन मॉइस्चराइजिंग क्रीम से, जो कि मुझे कस्टमाइज करके भेजा गया. इट इज़ सो नाइस, मतलब स्किन इतना स्मूथ फील करता है और इवन द फ्रेग्रेंस इज़ सो गुड. एंड उसके बाद दिन हो या रात हो, आई ऑलवेज फॉलो अप विद SPF 50 सनस्क्रीन जेल. तो मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ. और आप लोगों को पता है सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन केयर के लिए, तो कभी मिस नहीं करना. एंड लास्टली आई अप्लाई एजिलाइक एसिड जेल 15% एजीडर्म जो है वो मुझे भेजा गया है. इसको लगाने के बाद मेरा जो एक्नी प्रॉब्लम्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है. इनफैक्ट सब गायब भी हो गया, थोड़ा बहुत आता जाता है, बहुत कम. तो या एंड ऑल्सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को अपना फर्स्ट बॉक्स मिलता है एंड आप अपना स्किन रेजिमेंट जो है फॉलो करके बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो आप फिर से डर्मेटोलॉजिस्ट से लाइव चैट करके अपना स्किन के फिर से स्किन टेस्ट करके आप लोग दिखा सकते हो. एंड लाइक वाइज अगर फिर से कुछ नया ऐड करना है या और कुछ कम करना है या कुछ नया स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको भेजना है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे, फिर आपका नया बॉक्स जो है भेजा जाएगा. तो वैसे आप लोग फॉलो अप कर सकते हो अपने स्किन के लिए, तो ज़रूर ट्राई आउट करना. स्किन ऐप जो है 100% ट्रस्टेबल ऐप है, आप लोग जरूर डाउनलोड करना और यूज करना. इट इज अवेलेबल इन बोथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. तो डाइट चार्ट भी आप लोग मंगवा सकते हैं एंड फॉलो योर डाइट चार्ट अलोंग विद योर स्किन रेजिमेन. तो गाइस, मैं आई हूँ द फ्रेंच विंडो पैटिसरी. Hi, with my friend Gabby. Hello, and a subscriber. Again. Yeah. So we are having, she's having, I want to say, white sauce pasta. And I'm having apple pie pancake. French window. This is here in lane number 5, Korega Park. इतना fresh है cafe, ये देख सकते हो. Now we are going from here. यहाँ से हम अभी Phoenix Mall जाएंगे. He looks so lazy. I'm going to office, guys. She's leaving. She's taking me to Phoenix Mall to play bowling. तो अभी बज रहा है 2 एंड 5 PM शी हैज़ टू गो टू ऑफिस नाइट शिफ्ट एंड आई हैव फ्लाइट आई विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट अराउंड 8 PM सो नाउ वी हैव सम टाइम टू किल सो हम लोग अभी मॉल में जाएंगे एंड वी गोना सी व्हाट टू डू कुछ मूवी टिकट्स मिल जाएगा तो मूवी देखेंगे और अगर नहीं तो विल प्ले समथिंग बच्चों के जैसा वहाँ पे. लेट्स गो, वी आर गोइंग टू फिनिश मॉल नाउ. बाय गाइस, अभी हम मॉल पे आ गए हैं. मैंने बस एक H&M से सनग्लास और बक हैट लिया है. ओह, स्टेयरवे टू हेवन. हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग वेरी हॉट. यू आर गोइंग हेवन. दिस इज स्टेयरवे टू हेवन. तो गाइस, अभी हम PVR आ गए हैं, देखते हैं कौन सा मूवी चल रहा है. अगर हमको कुछ टिकट कोई भी मूवी का मिल जाएगा अभी का समय का, सो विल जस्ट गो एंड वॉच मूवी एंड किल टाइम. पठान. तो गाइस ये देखें, यहाँ पर चल रहा है पठान चल रहा है, कोई मराठी मूवी चल रहा है. तो गाइस हमको मूवी नहीं देखना क्योंकि पठान चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू वॉच, और उसने देख लिया है, तो इसीलिए वी आर हियर इन VR.
तो हम ये कुछ करने वाले हैं, दिस वन इट्स लाइक 200 पर है, तो हमने ये वाला करने के लिए डिसाइड किया, सो वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द फैमिली, वी आर जस्ट टू ऑफ अस, चलो लेट्स गो। मेरा पास नहीं है, आई डोंट एक्सिस्ट यार। गॉड गाइस, जस्ट 200 एंड इतना एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसा लगा पूरा एक्चुअली में हम लोग रोलर कोस्टर राइड कर रहे लग रहा था, वो उल्टी सा आने लगा प्यूकिश सा, बट इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस यार, मूवी देखने से अच्छा वीआर एक्सपीरियंस कर लिया, इट वाज रियली नाइस। गाइस हमारे पास इतना टाइम है किल करने, तो अभी हम टॉय ट्रेन में जा रहे हैं बैठ के, ये पूरा मॉल घूमेंगे पहली बार 100 पर है, चलिए चलते हैं। दरवाजा कैसे खोलना है? दिस इज योर कितना बार का एक्सपीरियंस है टॉय ट्रेन में? सेकंड टाइम। माय आल्सो सेकंड टाइम आई थिंक। यहाँ अभी हम जा रहे हैं मॉल घूमेंगे टॉय ट्रेन में, क्या लाइफ है, इतना टाइम है हमारे पास किल करने के लिए, ना बिगेस्ट चाइल्ड, बिगेस्ट चाइल्ड हम दोनों इन द टॉय ट्रेन। चलो भैया हॉर्न मारो, हॉर्न मारो। भैया भी बहुत खुश है बड़ा बच्चा घुमाने के लिए। कस्तम चाहे रे लेना रामई लो उकाई ओ राजी। हाय, हाउ यू फीलिंग नाउ? सो गुड, सो गुड, लुक्स सो गुड, प्रीटी। तो गाइस बहुत ज्यादा समय बाद दिस इज द अपडेट, वी आर हियर हैविंग आइसक्रीम्स एंड कपकेक्स एंड आइसक्रीम्स एंड या हियर वी आर। हेलो, अभी आधा घंटे बाद शी इज गोइंग टू गो टू ऑफिस एंड देन आई विल गो समवेयर आफ्टर दिस। बाय, आई मिस यू टू। वो ऑफिस जा रही है और मैं कैब पे जा रही हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ हेड मसाज लेने के लिए फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। तो गाइस आई जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट और ये देखिए यहाँ पे है कांतारा, लुक्स सो मच सेम, सब लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे हैं उनके साथ। मूवी में जैसा देखा था ऐसे ही लग रहा है, आई रियली लव द मूवी। तो हाय गाइस, अभी मैं हूँ बेंगलोर एयरपोर्ट में और सुबह का 2 बज रहा है, मेरा सुबह 5 बजे का यहाँ से फ्लाइट है चेन्नई के लिए, मैं जा रही हूँ चेन्नई लाइक आई सेड, और मैं मिल रही हूँ मेरी सिस्टर नवम से एंड किम जीजू से, तो ब्लॉग पे बने रहेंगे, सुबह 6 बजे उनसे मिलेंगे, ब्लॉग में दिखाऊंगी उन लोगों को। एंड ऑल्सो मॉम भी रात को पहुंचेगा, कल आज रात को 9 बजे पहुंचेगा, तो मॉम इज़ एक्चुअली कमिंग फॉर चेकअप के लिए आ रही है, तो बाद में अपडेट करेंगे, बने रहिए ब्लॉग में। आई एम सो स्लीपी राइट नाउ, तो मैं अभी यहाँ कोने पर बैठी हूँ जहाँ कोई नहीं है, सो आई टेक सम नैप यार। तो गाइस फाइनली चेन्नई पहुंच गई हूँ, लेट्स एग्जिट। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो। ड्राइवर को कॉल कर रहा है। हाँ, सुबह का 6 बज रहा है और ये देखिए दिस इज चेन्नई। आप अकेला आए? जीजा नहीं आया है। ओके, इतना मोरों में शोर उठ गया ना, घर घर है ना, घर घर है, सो होम होम। तो हाय गाइस, अभी हम हैं नवम एंड किम किचन में,
Yay! दीदी बनाया है चाय. चाय पी लो गाइस. चाय पी लो गाइस. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. तो अभी हम चाय पियेंगे. कब से अब कर रहे हैं बहुत ज्यादा. वी हैड टू कैच अप. कितना दिन बाद मिल रहा है हम लोग. बेरली लाइक आफ्टर अ वीक आई थिंक. वीक हाँ, वीक वन वीक. नो, टेन डेज. हम लोग घर पे मिला था. व्लॉग नहीं किया था क्योंकि पता नहीं, बहुत रियल टाइम था. हाँ, टाइम भी नहीं था, याद है. समटाइम्स वी नीड ऑफ कैमरा रिलेशनशिप्स. तो इसीलिए वैसे था. तो अभी हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं. चाय पियेंगे और रात को मॉम और आंटी दोनों आ रहे हैं. दीदी का मॉम एंड माय मॉम और नदम बहन, दीदी का बहन. तो अपडेट देते रहेंगे. चलो चाय पीते हैं. बट उससे पहले आपको चाय पीना पड़ेगा. चलो चाय पीते हैं. ओके, थैंक यू. वाओ, इतना टेस्टी. मुझे ऐसा वाला चाय बहुत पसंद नहीं है. कलर ना, कोई लोग कलर पूरा ऐसा हल्का वाला दूध कलर बनाते हैं ना, ये वाला बहुत अच्छा है. कड़क चाय. थैंक यू. अन्योंगसेयो, कम्सामिदा. Oh my god, you're killing Korean culture. Oh my god, no way. तो गाइस, चाय पीते पीते मेरा व्लॉग देख रहे थे दीदी हम दोनों और जीजा. गुड मॉर्निंग. Going to office. Yes, I'm going to office just now. And you will come. Yesterday I drink so much. We are meeting after 10 days. Yes, after 10 days. Doesn't feel like meeting after 10 days, na? Chalo, have a nice day. I'm going to office now. Okay, bye. See you in the evening. Stay tuned. Jija ko aur bhi bahut व्लॉग में देखने को मिलेगा. अभी आई एम हियर फॉर फ्यू डेज दोनों के साथ बच्चा बन के. अन्योंगसेयो, बाय. दीदी कोरियन है अभी. आप तो कोरियन बन गए लेकिन कोरियन नहीं आता है. आई थिंक शी इज द ओनली वन जिसको कोरियन लैंग्वेज सीखने में कोई दिलचस्प नहीं है. आठ साल हो गया रिलेशनशिप में. बट आप सीखेगा ना अभी. अभी तो पक्का सीख रहा है. तो ओके, फाइटिंग. आजा फाइटिंग. अभी हम लोग कुछ काम करेगा. ये सब साफ सफाई करेगा क्योंकि मम्मी जी दोनों जी आ रही है. तो हाय गाइस, अभी शाम के समय है और हम लोग घर के सामने में जो मार्ट है, सब्जी वाला मार्ट, यहाँ पर आ गए. हम दोनों सब्जी ले रहे हैं और बाय 8 पीएम हम लोग फ्रेशन अप होगा और एयरपोर्ट जाएगा मॉम और आंटी लोग को पिकअप करने के लिए. तो दिखाते हैं हम लोग क्या क्या सब्जियाँ खरीद रहे हैं. ऑब्वियसली मॉम लोग आने वाले, तो बहुत सारा बॉइल्ड सब्जी बनेगा घर पे. तो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं हम लोग. ब्रोकली, कैबेज, कैरेट. ब्रोकोली, हम लोग देखिए बहुत सारा सब्जी लिया है. ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स सब उठाओ. सब ग्रीन. हाँ, सब ग्रीन उठाओ. मिक्स बॉइल्ड वेजिटेबल बनाएगा ये कैरेट्स. तो गाइस, हमारा शॉपिंग फाइनली कंप्लीट. ऐसा लग रहा है पूरा मार्ट उठा लिया. बहुत ज़्यादा सामान ले लिया है. तो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मम्मी दोनों को पिकअप करने और बहन को. तो आप लोगों को मिलते हैं एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे मिलते हैं. मम्मी को मिस किया होगा व्लॉग में. चलिए चलते हैं. मेरा चेहरा इतना गोल है ना. नहीं. ओ देखिए, या मम्मी इवन हीरोइन. याम का मम्मी इतना हीरोइन है. इतना सामने से हम जब. ओ देखिए मम्मी. वेलकम. हे, वेलकम. हेलो. यस, हीरोइन. हेलो. हम पहुंच गए हैं घर. हेलो. चलो लेट्स गो.
क्या क्या पलंग 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 नहीं पलंग 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 मतलब पलंग मतलब बेड बेड क्यों नहीं बोलते है ना उसमें आज आप लोग अगर असमीस वर्ड बोलते हैं तो आप लोगों को पता होगा पलंग मतलब बेड होता है तो बहुत पलंग वर्ड बहुत यूज हो रहा है इधर क्या मुसरी बोलो मुसरी 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 मतलब मच्छरदानी मच्छर बहुत होगा ना मुसरी ना ऐसे नहीं की मुसरी ऑल आउट की नहीं से ना ऑल आउट खरीदा है मुसरी नहीं है तो क्या है ओह नो पूरा अरुणाचल उठा के लाया है देखो ना वाओ क्या है इसमें सब्जी है सब्जी लाया अरुणाचल से वाह 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 दीदी और जीजा के लिए ला दिया इतना सामान देखिए और अभी मम्मी भी अपना बक्सा खोल रहा है बक्सा तारांग बॉक्स ओहो कुछ भी नहीं कपड़ा नहीं है संतरा ही लेके आए आया कपड़ा नहीं है संतरा लेके आए अपना बगान का ये सब्जी है ये क्या सब्जी है ये क्या क्या बहुत पत्ता सत्ता सब्जी खोल के दिखाओ हाँ पत्ता सब्जी है और ये भी कुछ कुछ है होगा खोल के दिखाओ देखिए ना कपड़ा अपना सिर्फ इधर पैकिंग किया है और ये पूरा खाने का सामान See, mom got you oranges. Her luggage is only full with orange. इतना मोरो में जीजा टी बना दिया नहीं मतलब I understand मम्मी संतरा लेके आए बट ना दम why आलू आलू क्यों देखो ना कोई भी कपड़ा नहीं लेके आए लगेज खाली करके मतलब सब सबने टारगेट कर लिया कि शॉपिंग करना है मतलब यहाँ से लगेज खाली लाए और आलू दिखाओ ना क्यों आलू क्यों लाए अपना बगान का है क्या देखो ओ अपना खेत का आलू लाए वाह क्या बोलेगा आलू आलू लाए ये जो शी ब्रोट पोटैटो ये देखिए संतरा घर का संतरा आलू क्यों लाए देखिए देखो ना आलू क्यों लाए ये जो जो खो रहे हैं पते तो who brings पते तो ये तो हाथी मिर्चा से this is what is king chili king chili हाथी मिर्चा अंदर इसको फ्रिज में रख देंगे आलू आलू बट बहुत टेस्टी होगा ये आलू जो बहुत मजा होगा नया नया आलू है बहुत मजा होगा से अगेन बहुत मजा होगा वाओ किंग चिली बिग साइज वेरी बिग साइज ओ पोटो सब्जी दिस इज पोटो ओ ये इसको खाने से हाई प्रेशर को लो प्रेशर हो जाता है हाँ लो प्रेशर लोग नहीं खाना है पोटो सब्जी इतना कुछ है खाने के लिए वाओ ये देखिए मीट आई थिंक दिस इज पोर्क एंड देन देखिए हमारा ट्रेडिशनल जीजा पापा से बात कर रहे कहानी चल रही So auntie leave from Arunachal Pradesh, you celebrate, so. We celebrate. तो गाइस अभी हम सो रहे हैं YouTube वीडियोस देख के यहाँ पर दोनों सो रहे हैं दीदी और बहन दोनों हेलो गुड नाइट और मम्मी और आंटी अंदर रूम पे सो रहे हैं जीजू भी अंदर रूम पे सो रहे हैं और अभी हम यहाँ पे गुड नाइट करेंगे मैं यहाँ सोफा में सो रही हूँ तो गुड नाइट गाइस आई होप आप लोगों को सिंपल नॉर्मल सा ब्लॉग अच्छा लगा लाइफ अपडेट ब्लॉग कल हम मॉर्निंग जल्दी उठेंगे चेकअप करने जाएंगे सब लोग हॉस्पिटल सो या कल से दूसरा ब्लॉग आएगा बाय बाय गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कुछ रिकमेंडेशन है अगर चेन्नई का तमिलनाडु का ब्लॉग्स देखना है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना बाय बाय गुड नाइट